हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें कि बच्चे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का क्वेश्चन नंबर 5.7, जो कि कह रहा है बच्चों की अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, गिव द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइंस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान समझिएगा, हमें दे रखा है बच्चों कि हमें पास एक बार मैग्नेट है ना, शॉर्ट बार मैग्नेट है। तो कह रहा है कि इसके मान लीजिए ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। तो पहला केस बोल रहा है कि बच्चों जो कि इसके एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे कह रहा है कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, क्लियर है। उस पर अपने को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है बच्चों, बी इज इक्वल टू आपको पता है एक्सिस वाले पॉइंट में क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये होता है बच्चों 2m बाय डिस्टेंस का क्यूब। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सभी पता है 10^-7 होता है। 2 × m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू दे रही है अपने को 0.48। ठीक है, और डिवाइड बाय डी क्यूब मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। बेसिकली आप कितना लिख सकते हैं, 10 × 10^-2 का होल क्यूब। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा बेसिकली कितना, 10^-7 × 2 × 0.48 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बच्चों 10^-1, और इसका हो जाएगा 3 × 10^-3, या फिर आप कह सकते हो बच्चों 0.96 × 10^ हो जाएगा -4। तो हो जाएगा बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। आज की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, तो आपको पता है कि इसकी अगर डायरेक्शन अगर देखा जाए तो डायरेक्शन अगर नॉर्थ साइड में अगर कोई पॉइंट लेते हो तो इधर की ओर होती है ना, मतलब कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर इधर 10 सेंटीमीटर पर कोई पॉइंट लेती हो, साउथ में अगर कोई पॉइंट लेते हो, तो क्या होगा, डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, टुवर्ड द साउथ पोल होगी अगर इधर लेते हो, और नॉर्थ साइड लेते हो तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी किधर, नॉर्थ पोल के। समझ में आ गया ये बात, क्लियर है। उसी प्रकार से बच्चों दूसरा पॉइंट ये बोल रखा है कि आपके पास फिर से सेम मैग्नेट है, अब आपके इसके एक्सिस नहीं, इसके बस के इक्वेटोरियल पॉइंट पर 10 सेंटीमीटर पर रखा है अपने को एक पॉइंट, वहाँ पे अपने को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बेसिकली क्या होती है सर, होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये होता है m बाई डी क्यू। तो आपको लगता नहीं है कि जो इक्वेटोरियल एक्सिस पे आया था, एक्सियल पोजीशन में जो आया था, उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि यह 2m है, बाकी सब तो सेम है। तो कहीं ना कहीं बच्चों 0.96 × 10^-4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.48 × 10^-4 का टेस्ला। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन अगर बात करें बच्चों, इस पे डायरेक्शन किधर होगी, तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, और इसकी डायरेक्शन बात करें तो ये हो गया नॉर्थ या साउथ। इसकी डायरेक्शन होती है बच्चों किधर, नॉर्थ से साउथ की ओर। डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, हमेशा इसका नॉर्थ से साउथ पोल की ओर। तो ये था बच्चों अपना मैग्नेटिक मोमेंट पे आधारित क्वेश्चन है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक द वीडियो।